दिस इज बश्रा खान वेलकम टू समा पॉडकास्ट आज हमारे साथ कौन मौजूद है आज हमारे साथ पाकिस्तान के मशहूर गुलकार सिंगर एंड म्यूजिशन मौजूद हैं वैसे कहा जाता है और एक कहावत है और एक नौशन है कि किसी बड़े एक्टर का या किसी बड़े सिंगर का बेटा एक्टर या सिंगर नहीं बन सकता उसमें वो टैलेंट नहीं होता उसमें वो बात नहीं होती लेकिन नहीं यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो जाती है यहाँ पे ये जो एक माइंड सेट है ना वो चेंज हो जाता है क्योंकि मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे यंग टैलेंट से जो कि ना तो उर्दू इंग्लिश और स्पेनिश में गाने गाते हैं और लिखते हैं बल्कि इसके साथ साथ ही इज़ अ वंडरफुल ट्रेंड क्लासिकल म्यूजिशियन येस यू हर्ड इट राइट आई एम टॉकिंग अबाउट अभी नाम नहीं बताऊंगी बल्कि मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहती हूँ कि उनके फ़ादर उनकी म्यूजिक लेगेसी कैसे आ रही है उनके फादर ही वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर इफ़ यू टॉक अबाउट बैक इन नाइन्टीज़ प्ले बैक सिंगर जी हाँ मैं बात कर रही हूँ वारिस बेग की और हमारे साथ आज समा पॉडकास्ट में मौजूद है मिस्टर अमार बेग अम सोच यूर मोस्ट वेलकम सो व्हाट्सअप बाई द वे इससे पहले मैं अपना समा पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ जोगिया सॉन्ग जो अभी आपने हाल ही में कल रिलीज किया है उसकी डूड 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं

ਉਸ ਬੇਵਫਾਈ ਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਯਰ ਲਾਇਆ ਏ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਏ ਉਸ ਬੇਵਫਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਲ-ਪਲ ਯਰ ਲਾਇਆ ਏ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਏ ਇੱਕ ਜੋਗੀਆ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਸ਼ੇ ਅਜ ਦਮ ਕਰ ਦੇ वेरी गुड माशाल्लाह अमेजिंग अमार बहुत प्यारा सुर है और बहुत इसमें ना वो जैसे कहते हैं दिल से गई भी चीज दर्द है

मुझे ये बताएं आप माशाल्लाह वारिस बेग के घर पैदा हुए हैं आपके पेरेंट्स जो है दे आर ऑलरेडी वेरी फेमस एंड वेल रिप्यूटेड एंड दे हैव अ वेरी बिग नेम इन द फिल्म इंडस्ट्री स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान तो आपका ब्रॉटअप ग्रूमिंग ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पर आपने देखा होगा फिल्म स्टार्स आते हैं जाते हैं वो एक गप लगती है वह एक मजे का माहौल है तो आपने अपने आप को कैसे डेवलप किया है दूर ऑल्सो यू नो कंटिन्यूंग हिज लेगेसी एब्सोल्युटली मेरे लिए माई जर्नी हैज़ बिन ब्यूटिफुल सिंस डे वन मैं बस जो बहुत छोटा सा बच्चा था तीन चार साल का तो उस वक्त डैड वॉज एट हिज पीक एंड ही वॉज गोइंग टू डिफरेंट कॉन्सर्ट्स और uh, कभी स्टूडियोज़ में सेशंस नुसरत अली खान साहब को मुझे मौका मिला मिलने का यू नो आई अप लिसनिंग टू हिम तो सिंस डे वन आई बिन ब्लेस्ड कि मैं अच्छी संगत में बैठा हूँ और बिकॉज डैड हैज़ सच अग नेम तो उनके साथ मेरा टाइम गुजरना फिर जैम सेशन में जाना सो आई ग्रू अप इन अ वेरी म्यूजिकल इन्वायमेंट तो जब बच्चे छोटे होते हैं उनको होता है कि हम गाड़ियाँ के साथ खेलें uh, तो मैं मैं बचपन में, में, में ही आई यूज़ टू जस्ट पिकअप गिटार एंड उसके साथ खेलता था से मुझे यही सिखाया गया और इसी में तो मैं nice. enjoy करता अच्छा मतलब naturally आप में वो जज्बा था कि मैं भी सीखूं वरना यूजुअली होता है कि नहीं होता हाँ जैसे कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है या सिंगर है तो उनके बच्चों को नहीं शौक होता वो नहीं उसको आगे कंटिन्यू करते लेकिन आप में नेचुरली वो चीज़ थी बिलीव इन आर्टिस्ट इडियट्स Hmm. वो बॉर्न ही ऐसे होते तो <laughs> <laughs> so, मैं right. बच्च, मैं बचपन से सीखता था वन माई डैड यूज टू प्ले मैं देखता था कि वो गिटार How के ऊपर क्या पोजिशन okay. अपनी फिंगर्स की कैसे करते हैं hmm. उन्होंने मुझे शुरू में थोड़ा सा बताया कि दिस इज ए माइनर ये स्केल्स हैं बट बाई बुक्स फिर एकदम यूट्यूब आ गया

आईटी का उस वक्त और आज भी आपको पता है बहुत दौर है दैट्स द फ्यूचर बट मेरा ओ लेवल्स ख़त्म हुआ तो मैं वेकेशन पे था वहाँ पे तो आई वाज जस्ट आई वाज देयर फॉर टू थ्री मंथ्स मुझे वहाँ पे बड़ा अच्छा लगा यू you नो know, एक सिस्टम स्ट्रीम लाइंड ऑनेस्टी कोई झूठ नहीं कोई दोगड़ापन नहीं तो मुझे मेरा दिल लग रहा था वहाँ पर मैंने कहा यू नो आई स्टडी आई वॉन आ स्टडी है तो मैंने अपने पेरेंट्स से मशवरा किया एंड अलहमदुल्ला यू नो देव बिन सपोर्टिंग मे सिंस देव वन और उनकी सपोर्ट के बगैर आई एम नथिंग ओके तो मेरे ओ लेवल्स का भी रिजल्ट आया था तो आई कॉल माई मदर मैंने कहा वो लेके आए हैं साथ तो एम कन आई ट्राई माई लक एम कन अपलाई फॉर डिफरेंट कॉलेज और आई अपलाईड एंड आई गड तो अलहमदिल्ला फिर मैंने वहाँ पर आई टी में अपना Uh, तो आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली आई yes, टी में yes. लेकिन मुझे ये बताएं कि आई टी इज अ वेरी गुड फील्ड नो डाउट अब आइंदा आने वाले चंद सालों में उसी का स्कोप है तो उसको आप कंटिन्यू करेंगे साइड पे क्या होता है ना जैसे बिजनेस रखो या कोई एंटरप्रेन्योरशिप रखो oh, <laughs> सुपर अभी अभी uh, लोगों को लगता है कि आसान काम है ल्फ मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब मैं हर चीज़ जो जितना भी कॉन्टेंट देखते हैं मैंने कभी इस बारे में बतायाल्फ माईटिंग माई प्रोडक्श माई म्यूजिक मुझे किसी ने भी आज तक सिखाया कि हम छुट को कैसे यूज करते हैं जिसपे मैं आ, सारी ऑडियोज़ बनाते हैं तो मैंने खुद ही यूट्यूब से देख के, के कभी किसी मिक्सिंग आर्टिस्ट इंजीनियर के साथ बैठ के कभी उनसे उनसे सीखना उनको वॉच करना तो मैंने इसको खुद ही डेवलप किया मैं खुद हर चीज़ खुद करता हूँ अच्छी बात है ये होना चाहिए मल्टी होनी चाहिए ताकि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होग्जैक्टली exactly. आप डिपेंडेंट ना हो और दूसरी बात तो ये आप गाने भी खुद लिखते हैं यस yes. अच्छा मुझे ये बताए स्पेनिश कब सीखी स्पेनिश मैंने आ, सीखी नहीं जब मैं अमेरिका में था मेरे काफ़ी दोस्त हस्पेनिक कम्यूनिटी से हैं तो वो आपस में बातें करते थे तो मैंने थोड़ा सा डायलैक्ट पिक किया उसका आई एम नॉट फ्लुएंट इन स्पेनिश बट मुझे थोड़ी समझ आ जाती है इट्स एन इजी तो मैंने उसको फिर स्पेनिश uh, मुझे अच्छी भरी बहुत रोमांटिक लैंग्वेज लगती है मुझे तो उसमें मैंने एक uh, एक गाना भी किया है अपने डैड के साथ

Yo cotere a la horas ven a Volveré, no volveré, no volveré, no volveré, no. Lo quieren lo quieren encunar.

Uh, बंगाली में भी गाया है चलिए जी मुझे बंगाली इस तरह नहीं आप आगे जाएंगे बंगाली सुना दें बंगाली सुना दो आपने मुझे उस हर लैंग्वेज में गाना सुनाना जिसमें आपको आता है और आपने गाया है ओके बिकॉज़ ऑब्वियसली आई वांट टू नो माय ऑडियंस वांट टू नो डन की करे तो के बोलबो तुई के अमा না সাথে চলব সব পারি দে দে তোর কাছে হারিয়ে গিলা কি করে তোকে বলবো তুই কে আমার

<laughs> उर्दू में तो मैं गाते ही रहता हूँ ये yes, उर्दू में भी आप गाएंगे मुझे ये बताएं आपने कौन कौन से लेजेंडरी सिंगर्स को ट्रिब्यूट पेश किया बेसिकली माय माय ट्रेनिंग प्रोसेस ऑफ कोर्स मैंने सीखा तो अपने डैड से है और मैं मेरी हर चीज़ में वो मुझे गाइड करते हैं बट आई थिंक सुनना सुनना भी एक रियाज है सुनना भी है, हाँ। तो, तो, है मैं बहुत शौक से बचपन से सुनता आ रहा हूँ गुलाम अली ख़ान साहब को राहतवत अली खान साहब और नुसरत अली खान खान साहब मेहदी हसन हुसैन बख्श कुल्लू एंड आई हैव बीन रियली रियली लकी अनफॉर्चुनेटली आई मीट मेहदी असन खान साहब इज़ नॉट हियर एनी मोर बट हुसैन बख्श कुल्लू साहब उनके साथ मुझे बैठने का मौक़ा मिला और उनके साथ संगत करने का मौका मिला आपने जो नाम ले लिया ना माशाल्लाह मुझे उसको देख के लगता है कि यू गॉट फुल डीप रूटेड इन्फॉर्मेशन दिस और मेरे डैड ने मुझे शुरू दिन से इस पे गाइड किया है वो कहते हैं कि तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ah. अगर ये सब नहीं करोगे so, तो आई खानिंग आगे नहीं लेके तो मैंने इनको इन सब उस्ताद लोगों को बहुत सुनाए और एक छोटा सा मेडले मैंने तैयार किया हाँ जी सब, और सब को। सुनाए, सुनाए, सुनाए। तो like ट्रिब्यूट to. आपने पेश किया है अमार साहब ने ट्रिब्यूट जो पेश किया है वो हमारे जो बेहतरीन लजेंडरी पाकिस्तानी सिंगर्स हैं उनके उनके लिए है सो प्लीज गो कमावा

तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है एक जरा सा गम दौरा कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है तुझ पे हो जाऊँगा कुर्बान तुझे चाहूँगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे जाऊंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं नि नि सा नि स स नि नि सस नि सरे नि नि सी रे सा नि सास नी सा ध धनी नि मधनी सा मधनी सा मधनी सा है क्यों बर थोड़ी सी जो पीली है हंगा है क्यों बर थोड़ी सी जो पीली है डाका तो नहीं डाला चोरी तो नहीं की है हंगामा है क्यों बर्बाद? थोड़ी सी जो पीली है आप बैठे हैं बाली पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है आप बैठे हैं बाली पे मेरी मौत का जोर चलता नहीं है मौत मुझको गवारा है लेकिन क्या करूं दम निकलता नहीं है तेरी आंखों के दरिया का Very nice. उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी बिछड़ना भी जरूरी था जरूरी था कि हम दोनों तवाफे फे जू करते मगर फिर हार जू का बिखरना भी जरूरी था very good thank you thank you so much I'm just loving the way you have sung the way you, the way you have you know used your vocal cords per,

नेगेटिव यू नो गिव्स यू अ चांस टू इम्प्रूव योर सेल्फ और जाना चाहिए यू नो नेगेटिव जो आइदर मेक्स यू स्ट्रॉर आदर सिंपल इज्सूट you know, exactly. yeah. well. um, जी ये बताएं कि आपने uh, आपके फादर के ऑलरेडी मतलब उनके लिंक्स हैं उनके अच्छे रिलेशंस हैं एक वेटरन मशहूर सिंगर uh, हैं तो आपने कभी बॉलीवुड uh, के लिए गाना गाया हो या कभी आपको ऑफर आई हो बॉलीवुड से उनके लिए गाना गाने की या कोई uh, कोई ऐसा एक्सपीरियंस कभी मुझे बताएं ऐसी स्पेशल uh, like, uh, right. mm -hmm. ऑफर उन्होंने दो गाने शूट किए थे वहाँ पे मलिका अरोड़ा के साथ और oh, अरोड़ा okay. के साथ तो उसी दौरान मैं भी था वहाँ पे और मेरी अजय देवगन डेविड धवन सो मेनी पीपल और उसके साथ साथ सुषमिता सन सुष्मिता सन oh. वाली जो मीटिंग थी तो वो तो बहुत कैंडिड थी uh, और uh, मुझे यू नो आई डे आई लव ऋतिक रोशन

पाकिस्तानी एक्टर्स की बात करते हैं पाकिस्तानी एक्टर्स सबके साथ बहुत बहुत प्यार है शान शान सर बड़ा बड़ा प्यार करते हैं मोहम्मद आना ऑफ कोर्स यू नो आई आई ग्रो अप विद ऑल दिस उन्होंने मुझे बचपन से देखा हुआ है और उनके सामने अब मैं बड़ा हुआ हूँ आई एम रियली क्लोज टू राहत खान साहब हमारा स्टार स्टार भी स्टार भी सेम है तो क्या स्टार है आपका सजेस्ट उनका उनकी बर्थडे पे राहत अली खान साहब की वो मुझे uh, बुलाते हैं कि अब तुम सुनाओ मुझे कुछ सुनाओ तो हमारी काफ़ी मेरी वीडियोस uh, uh, वायरल भी हुई हैं उनके साथ और कौन सी वाली वायरल हुई है मैंने उनकी बर्थडे पे उन्हीं का गाना उनको सुनाया था फिर जब मेरा ऑफिशियल uh, लॉन्च हुआ था मेरे घर पे तो अभी जो मैंने तेरी आंखों के दरिया uh, सुनाया तो इट जस्ट हिट 3 3 4 मिलियन व्यूज ऑन फेसबुक इंस्टेंटली तो वो पियानो पे प्ले करें अच्छा, मेरे एक, मेरे घर में और okay. मैं पीछे उनके साथ खड़ा होके आई एम जस्ट सिंगिंग इट गॉट वायरल इट गॉट वायरल काफी लोगों ने देखा वो वो एक बहुत बहुत खूबसूरत तो गाना मुझे सुना दो वो गाना जरा uh, क्या पता यहां से भी दोबारा वायरल हो जाए ते, तेरी आंखों के दरिया अभी अभी मैंने वो उसी उसी में मैंने मेडले में प्ले किया था दोबारा सुना दें दोबारा सुनाओ ऑलराइट गाने भी कभी ऐसा हुआ कि एक वर्जन के दोबारा सुने जाते गाने okay. तो भाई रिपीटेड होते हैं वी ओके वो ये आ, उनकी खान साहब की बर्थडे आ रही तो उनको मैं डेडिकेट करता हूं वंस अगेन अच्छा चले खान साहब की बर्थडे आ रही है कब आ रही है 6th दिसंबर 6 hmm. और ये जनाब रफीक अली खान के लिए है अमर बेग गाना डेडिकेट <laughs> कर रहे हैं गाना डेडिकेट करें हम्म hmm, दरियाखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था मोहब्बत भी जरूरी थी पिछड़ना भी जरूरी था जरूरी था कि हम दोनों आरज़ू करते मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था खान साहब और मैं ताले से व्हाई नॉट थैंक यू फील फनी लगती है <थे> नहीं। <laughs> लेकिन नहीं बहुत प्यारा गा रहे हो आप और ये गाना जो अमार बेग ने भी गाया है वो डेडिकेट किया है राहत फतह अली खान साहब को उनके आने वाली बर्थडे पे तो ये हम उन तक ज़रूर पहुंचाएंगे मुझे ये बताइए कि यू हैव कम बैक टू पाकिस्तान फ्राम यू एस सो डू यू फील एनी चेंज एनी डिफ़िकल्टीज क्योंकि ऐसा होता है ना कि आ, जैसे आपके फादर जो हैं well known हैं, लेकिन अब आप struggling phase में हो जाहिर है होता है ना जैसे रेफरेंस दे दो आप किसी को रेफ़र कर सकते हो लेकिन उसने फिर अपना काम या दिखा नहीं होता अपनी महारत दिखा नहीं होती वो उसके मेरिट पर चलता है hmm. तो आपको भी इससे की कोई मुश्किल आई मुश्किल uh... हर जर्नी आती हैं लोगों को लगता है कि वार्ज बेग का बेटा है तो उसके लिए सब कुछ बहुत आसान होगा और सब कुछ लोगों को लगता है हां जी बट माय डैड इज़ वेरी स्ट्रिक्ट और वो मेरिट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ठीक है और उन्होंने मुझे जब मैं आया था उन्होंने कहा था अब मैं आपके लिए एक भी फ़ोन कॉल नहीं करूँगा यू हैव टू पे योर ओन ड्यूज़ यू अपनी अपनी जंग खुद लड़नी है तो मैंने यही सीखा है और अलहमद सो फार सो गुड अल्लाह बहुत इज्जत बख्श रहा है तो यही मेरी दुआ है कि ऐसे ही चलता रहे बट कोई के साथ कोई साथ phase, कोई a a huge experience. Uh, अभी तक ऐसा कोई स्ट्रगल मुझे करनी नहीं पड़ी आई एम जस्ट इन्जॉइंग माई लाइफ आई एम जस्ट डूइंग म्यूजिक कोई ऐसा हर्डल नहीं आया मेरी लाइफ में क्योंकि मुझे कहीं पे परफॉर्म नहीं करने दे रहा या कोई ऐसे नहीं होने दे रहा अलहमदिल्ला आई नो आई कैन सिंग और आई पर्सनली बिलीव कि सिंगर वही है जो लाइव गा सकता है एंड दैट्स माई बिगेस्ट ट्रेट

Uh, कुछ मैंने यहाँ पे आर्मी के लिए किए कॉलेजेस के लिए किए यू एस में मैंने बहुत किए उस वहाँ पे किसी को नहीं पता कि अमार बेग इज सन ऑफ वारिस बेग आई स्टार्टेड ऑफ वेरी यंग बुशरा मैंने वहाँ पे uh, मुझे शौक था इंडियन uh, कम्युनिटी में काफ़ी मुझे वो आप, भी करते एक वो, ए, बिल्कुल वो वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं बहुत आर्ट की कदर और इस तरह Uh, मैंने वहाँ पे लोगों के घर में जाके परफॉर्म करना शुरू किया मैंने खुद अपना साउंड सिस्टम बाय किया छोटा nice. सा Achha, I used to just do acoustic. मेरा गिटार होता acoustic. था फिर मेरे पास कुछ की ट्रैक्स थे जिस पीपल और मेरा वो ट्रेनिंग प्रोसेस साथ चल रहा था मेरे पास कन्वर्टेबल गाड़ी थी उसमें स्पीकर भी मेरे पूरे नहीं आते थे तो मुझे टॉप उसका ऊपर करना पड़ता था

जो भी है बट मेरे पेरेंट्स का मैं इसमें उनको क्रेडिट देता हूँ तो उन्होंने हमें बिल्कुल हम्बल रखा है इवन मेरे मेरा भाई है मेरी बहन है हम कुछ भी करते हैं अपने ऑन पे करते हैं किसी से हेल्प की जरूरत नहीं है एंड आई थिंक दैट्स हाउ शुड बी हाउस कभी ऐसे हुआ कि किसी ने आप लोग को पहचाना हो कि जी ये वारिस बेग के बच्चे हैं सेल्फी मोमेंट आया हो कभी बहुत दफ़ा ऐसे हो तो कब कहाँ पर हुआ पाकिस्तान में बाहर पाकिस्तान में ज़्यादा अब अब हम जाते हैं बट जब डैड परफॉर्म कर रहे थे और जब उनका पीक टाइम चल रहा था आई डोंट रिमेंबर उस वक्त हम ज़्यादा कोई रेस्टोरेंट्स में ऐसा कहीं जाते भी नहीं थे क्योंकि अगर कहीं जाते थे तो डिनर ख़राब हो जाता था कोई फैंस आ रहे हैं अच्छा तो ये अच्छा हो रहा है अच्छा तो यू में बहुत ऐसे होता है uh, मतलब एक सेलेब्रिटीज़ चाइल्ड की एक लाइफ डिफरेंट होती है बट वी वो नॉट अलाउ टेल इन आर स्कूल कि हम किसके बच्चे हैं कुछ अच्छा तो उसका फ़ायदा कभी नहीं उठाया You have been very humble and yeah. you have been very focused on uh, promoting and grooming yourself up, exactly. polishing your skills. And, that's and, what and the whole credit goes to now. my parents. Whole credit goes yeah, to my of parents. Of course, uh, Mr. Varis is, you know, he's a huge, uh, famous and yes. talented uh, human being. So main, 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 and it's not like he was very busy the, and he was at his peak and we were neglecting No, my father took care of us like anything. मुझे अच्छी तरह याद है कि अक्सर ऐसे होता था यूज टू ट्रैवल एबाद में शो है आ, पी एम ए में शो है या कोटा में शो है तो वहाँ से वो वापस आते थे कभी कभी ड्राइव करके आते थे बाई द टाइम यूज टू गेट होम हमारा स्कूल का टाइम होता था तो हमें स्कूल ड्रॉप करके वो वापस आके सोते थे तो सो मैं ये चीज़ें भूल नहीं सकता uh, क्यों यू राइट बिकॉज एक पेरेंट्स ने अपना एक पूरा एक टाइम लगाया होता है व्हेन यू आर ग्रोइंग अप गेटिंग ओल्ड

आई थिंक आई थिंक आवाज में अगर दर्द आती है हाँ, ये ये क्लीश, मुझे क्लीशे लगता था मुझे लगता था कि ये ऐसी बातें बनी है But, अच्छा uh, तो ये जो जब, दर्द है अमार मिस्टर अमार साहब की जो आवाज में इतना दर्द है और इतनी वो जो कहते हैं ना फीलिंग के साथ गाते हैं उसके पीछे एक वजह है अभी पूछते हैं ठीक है वजह की मैं अब डिटेल तो नहीं दे सकता बट अब निकलवाना जा रही है मुझसे लगता है कुछ Obvious, हमार. जब दिल टूटता है न hmm. तो आवाज निकलती है आवाज़ आती है है बिल्कुल अब अब कोई जो है वो आप आप जैसे आप, आपको ले लो hmm. गाने की सूरत में you know, like तो किसके लिए, हुआ, हुआ? किस लिए तो नहीं मैं बता सकता फिर लाइन बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन दिल तो टूटा ना देखो जितनी मर्जी लंबी लाइन हो वन टाइम It, it, was, it was actually one time a, a, a good one uh, for it how just, long it, it just didn't it was for a couple of weeks a couple of weeks. <laughs> no 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 a couple of weeks so from a log yeah couple of years a couple of years yeah it didn't work out it is it's okay <laughs> you guys were in a serious relationship just yeah just we two were, it was a serious relationship <laughs> yeah, yeah but it just didn't work out so but it's okay i got transferred to and no never what's done is done

यू नेवर नो से भी बाहर जाते तो कोई मिल जाए एक्सपीरियंसेस तो चलते रहते हैं पता भी नहीं चलता कब मिल जाए कौन किस वक्त अभी कब know? हो जाए प्यार किस वक्त exactly. चलो एक रोमांटिक सॉन्ग सुना दो मुझे वो वाला रोमांटिक सॉन्ग सुनाओ पहले कि व्हेन यू वर इन अ रिलेशनशिप तो वो गाना बजता था hmm. होता ना मिलने जाओ तो बजता है एक गाना hmm. तो वो वाला सुनाओ पहले मैं आपको सुनाता हूं इट्स अ फॉर मी इट्स इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग आज जाने की जिंदा करो मैंने इस yes, yes, yes. मैं इसको मैंने इसको कवर भी किया है फरीदा खानम जी का जो वर्जन है वैसे तो हबीब वली साहब का है बट मैंने फरीदा जी का वर्जन सुना था एंड आई यूज्ड टू थिंक के uh, जिसने भी इसको कवर किया है हम सए मुल्क में भी और अगर कहीं बाहर भी बहुत सैड तरीके से गाया है आई डोंट नो व्हाई बट आई पर्सनली फील इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है यूं ही पहलू में बैठे रहो आज पहले में बैठे रहो, आज आज जाने, और, की जितना करो। आज जाने की जितना अदा किया है बिल्कुल जो जो भी गाता है ना वो अपने तरीके से एक वेरिएशन लेकर आता है इसमें लेकिन आप क्या वेरिएशन लेकर आए हैं और कितना खूबसूरत गाते हैं Let's just check out. जिस uh, uh, yes. तो तो हाँ, तो तरह दिस ओरिजिनल बट टू आप गाओ तो कैसा गाओगे Done. और जाहिर है जब दिल टूटा हो तो आवाज तो फिर दिल से निकलती है <laughs> तो सुर की जो एक वो जो सुर और ताल होते हैं ना उनका एक अलग ही लेवल होता है बिल्कुल चलो जी सुनाइए आज जाने ना करो आज जाने की जिद ना करो यूं ही पहलू में बैठे रहो बैठ रहो आज जाने की जिद ना करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो जाने की ज़िद ना करो वेरी गुड वेरी गुड वंडरफुल बहुत प्यारा गाये। है इसलिए तो मैं कह रही हूँ आज जाने की जिद ना करो यू ही पॉडकास्ट करते रहो आपको जल्दी इजाजत मिलेगी जाने की अब तो you. बहुत कुछ है जानने को यंग सुपर टैलेंट Super talented singer and musician हमारे साथ मौजूद है हमारे तो ऐसा कैसे हो सकता है हम जल्दी जाने दें अभी तो देखिए हम इश्क तक पहुँचे मोहब्बत तक पहुँचे अभी तो और बहुत कुछ पूछना बाकी है मुझे ये बताइए कभी किसी लड़की ने प्रपोज़ किया आपको यूनिवर्सिटी uh, में या कॉलेज में किसी लड़की ने कोई ने? अच्छा मतलब कि लड़कियों ने प्रपोज किया एक एक दफ़ा तो बड़ा वायरल मोमेंट हो गया था यूट्यूब पे भी उसका कोई इंटरव्यू पड़ा है तो वो दिस दिस होस्ट एंड यू नो शी जस्ट आई डोंट नो इफ शी वाज बीइंग फनी और व्हाट बट शी प्रपोज्ड मी ऑन टीवी रियली यस सम पाकिस्तान पाकिस्तान ओके तो वो काफी इसमें कमेंट्स में भी बड़ी मजे मजे की बातें मुझे मुझे पढ़ने को मिली थी तो एक दफा वो हुआ था एंड देन वन टाइम इट हैपेंड इन द यूएस तो फिर इनको क्या जवाब दिया

It is what it is, you know, it's just guys. It's okay. It's just guys. Yeah. Who cares? It's okay. No one cares. I, I don't like to break hearts. That's the thing. I, I, but you like to play? I don't like to play. Okay. I don't like to play. Uh, sometimes it's okay. But to took her. Since you are unmarried, go ahead, enjoy your life. Yeah. But once you are married, just stick to one. Absolutely. That's the goal, that's, that's the agenda. That's how it should be.

अच्छा you should, you should yes. hmm. मुझे ये बताइए कि चलो यूएस वाली के साथ तो ब्रेकअप हो गया ना उसने प्रपोज किया था उसको चांस भी मिला अब बात नहीं बनी तो वाई डॉन्ट यू गिवे चांस टू दिन पाकिस्तान दट पाकिस्तानी एंकर पहले नजर में कभी-कभी नहीं होता लोग भी तो करते हैं ऐसे ही है। तो मगर वो आ, मामा पापा करते है ना अच्छा ये मुझे ये बताओ, जरा वो हैं कौन क्या पता अभी भी, भी इंतजार करती हो uh, नहीं बताऊंगा तो वो बदनाम हो जाएगी नहीं ऐसा नहीं होगा जल्दी पकड़ा ही नहीं देता मेरी बात तो सुनो देखो इसका किसी को इंतजार नहीं करवाते और जब कोई आपसे प्यार करते है तो उसे कबूल करते हैं इस बात को दो साल हो गए हैं। लेकिन प्यार नहीं खत्म होता किया नहीं। <laughs> प्यार नहीं खत्म होता। प्यार दफन नहीं होता चलो जी नाम बताइए मैं मैंने डिस्क्लोज़ नहीं ये आवाज नहीं आ रही मुझे मैं ना कुछ और सुनना चाह रही हूँ एक गाना था उसमें हिंट है मैं वो गाना गाता हूँ ऑल राइट जिस मुझे क्या <laughs>

दे 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 वो वो मुझे मुझे बहुत स्पेस देती है। कुछ स्पेस हैं कुछ ज़्यादा तो आई एम हैप्पी अच्छा ये है आप जाने-माने सिंगर्स के साथ गाना गाते करेंगे कि ये आपको आपकी फादर की वजह से एक चांस मिलता है क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री में ऑलरेडी एब्सोल्युटली इसका मुझे फायदा होता है। फायदा होता है। बहुत मैं, मैं मेरी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है आई वॉज बोर्न दिस वे तो अगर मेरे में वो वो होता ही ना एलिमेंट ना होता तो मुझे क्या फ़ायदा था मैं कर सकता हूँ तो अगर आप के घर ना पैदा होते अ सिंगर आई थिंक आज अगर मैं गा रहा हूँ या मैं म्यूजिक माई फादर में you जीन्स know, okay. तो अगर मैं कहीं और पैदा होता तो आर ऑ नो मेरी जीन्स में उस वक्त कुछ शायद कुछ और होता बट आई एम ब्लैस्ड विद के मैं मतलब अब वारिस बेग साहब का बेटा हूँ तो इट्स लाइक like, uh, सब कड़ियाँ जुड़ के इकट्ठी होती हैं एक जगह पे तो मेरे लिए अच्छा हो गया ये सारा कुछ सो एम एबल टू स्पेंड टाइम विद सजाद अली साहब शफ़त महानदी खान साहब सबसे सो so, मेरा मेरा छोटा भाई है मरूफ नाम है उसका उसको उसको इतना नहीं है शौक म्यूज़िक का बट माई डैड डजन फोर्स हिम कि तुम भी बैठो तुम भी सीखो इट्स इट्स जस्ट नेचर मैं मैं बैठता हूँ मैं सुनता हूँ मुझे और चीज़ों का और संगतों का शौक़ नहीं है मैं इसमें सेटिस्फाई होता हूँ तो बिकॉज आई कैन डू इट आई एम एबल टू डू इट सो दैट्स वाई फन फॉर मी

हर वक्त साथ होते हैं। उसको आपकी सोबत नहीं हुआ कि uh, सोचा सिंगर बनने का ये है। है, गाता गाता भी अच्छा।, है। अच्छा, अच्छा। गाता भी अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे अगर कोई दोस्त ना हो या कोई और uh, गैदरिंग ना हो अगर हम दोनों हो तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती अच्छा के लिए गाना सुना दो

Uh, my dad's one of his biggest hits. Why not? So Please go ahead. <clears throat> hey, hey, उसको किया सलाम तुम्हारे धोखे में रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में रात को देखा ख्वाब जो मैंने सोते में चुमा कोई गुलाब तुम्हारे धोखे में ओ कल शब देखा मैंने

तो लग रहा है जैसे कि कोई मैं नो वे no मैं डैड के करीब भी नहीं गा सकता ये गाना देर वॉज इन इंस्टेंस एक शो में फ़नी स्टोरी हुई एक्चुअली एक शो में मुझे मौका मिला उन्होंने कहा कि आपको आप आए और अपने डैड का ये गाना गाएं मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया और जब मैंने उसको मिक्स के बाद सुना तो मैंने कहा यार ये क्या <laughs> मैंने क्या कर दिया ये मैं तो अब मेरी तो आवाज़ भी नहीं अच्छा लग रहा है हर गाना, गाना है। नहीं आप गा सकते live, उसका एक है वो डैड का उन्होंने नोक पर उसकी इतनी अच्छी उसकी डिटेल में ऑफकोर्स मैं म्यूजिक uh, सुनता हूँ मैं बहुत पैशनेटली सुनता हूँ और अगर डैड का म्यूजिक हो तो मैं और गौर से सुनता हूँ तो उसमें एक्सप्रेशन और उन्होंने तेरे मेरे

कितने कितनी दफ़ा मौका मिलता है किसी लड़के को अपने डैड के साथ म्यूज़िक बात करने की ज़ाहिर है ज़्यादा तो लोगों को इसका नॉलेज भी नहीं है आई एम सीरिंग विद विद माय डैड डिनर टेबल पे और लता जी की बात हो रही है खान साहब की बात हो रही है और उस गाने में उन्होंने ये जगह कैसे लिया है और इस तरह ये एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं ये कौन सा राग है ये कौन सा स्केल nice. है फिर किस गाने में कौन मतलब सा मतलब मजा आता होगा है है ना कि ए, होता ना? Hours hours. मतलब होता है ना कि फादर्स के साथ जो conversations होती है, किसी की भी किसी बड़े एक्टर की भी अगर बात कर लो अगर उनके बच्चे नहीं इस फील्ड में तो गानों की नहीं होगी कोई पढ़ाई की हो रही होगी या इधर उधर की होगी लेकिन जब म्यूजिक म्यूजिकोलॉजी का एक खुल जाता सब्जेक्ट तो एक मजे की आप ये खत्म ही नहीं क्या है आ, के जाना भिल्कुल, भिल्कुल, ही आसान नहीं है या बिल्कुल है तो वो इसमें इसमें आप आई फील वेरी लकी आई एम एबल टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद माई विद माई डैड फिर उनका जो पच्चीस तीस साल का एक्सपीरियंस है वो मुझे जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वो मुझे एक सेकंड में बता देते हैं हमारे इसको ऐसे करके देखो एक्सपीरियंस फिर है। uh, मैं मैं ऑफ कोर्स यू नो गाते गाते आपका एक्सपीरियंस बेहतर होता है तो मुझे सांस कहाँ पे लेना है इधर यहाँ पे इतना ठहराव होना चाहिए okay. तो आई जस्ट जस्ट सो ब्लेट मुझे की बताएं कि मामा देखती होंगी कि यहाँ पे हस्बैंड भी गाना गा रहे हैं बेटा भी गाना गा रहा है तो अम्मा की भी आवाज़ में सोर आ गया होगा कि नहीं रियाज आ गया होगा अम्मा भी अच्छा गाती है ना मुझे लगता है सीख लिया होगा वो वो भी बहुत खतरनाक लिसनर है <laughs> मैं कुछ भी रिकॉर्ड करता हूँ मैं आ, मैं यू you नो know, सुनाता हूँ कोर्स डैड तो सुनते ही हैं मम्मी को सुनाता हूँ मारूफ को सुनाता हूँ भाई को इट टू माई सिस्टर माई फ्रेंड्स उनके साथ शेयर करता हूँ तो

कॉन्शियस हो ज़्यादा हाँ जी है, हाँ। मैं इतना नहीं करता आई अवॉइड अचार एंड ठंडी चीज़ें ऑफ़ कोर्स यू हैव टू खट्टी चीज़ें कोई आपको जो गले के ऊपर गोल गप्पे वो खट्टा पानी है इन चीज़ों को अवॉइड करता हूँ प्राइड एवरी थिंग लाइक फ्राइड ऑयली बेक्ड वगैरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता भी आती है खुद से भी बनाते हो कि नहीं मुझे आती है जाहिर है यूएस में यू एस तो। में रहूँ की वजह से मैं वहाँ पे आई डिट यूज टू कुक एवरी डे बट जिस दिन मेरी छुट्टी होती थी तो आई यू टू ट्रीट माई सेल्फ चिकन कढ़ाई बना के अच्छा, nice. कीमा बना लिया अच्छे तो बन जाते दोस्तों को बहुत अच्छा

कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो किसी बड़े सिंगर ने दिया हो और आपको अब तक याद हो या हमेशा याद रहे वेरी oh, इंटरेस्टिंग yes. मैंने अभी मेडले में आपको सुनाया था हंगामा है क्यों बरपा hmm. जो कि गुलाम अली खान साहब का गाना जी है. जी तो पूछ मेरे लिए ऑस्कर गुलाम अली खान साहब मेरे लिए कुछ कह रहे हैं हाँ. उन्होंने उन्होंने कहा कि मैंने जो चीज़ें चौदह मिनट में की किया गजल में वो तुमने चार मिनट में की है और मैंने ये किया था टोनी टोनी में

चुपके चुपके रात दिन थार दू गोट कीट यू जस्ट सो पैशनेट अबाउट यूर फील्ड योर सिंगिंग योर करियर कि इट्स नॉट जस्ट लाइक्यूंग यू नो यदर्स लेगसी बट इट्स विद इन योर सेल्फ एंड दिस इज समिंग हार्ड वर्क Always pays off Inshallah It does pays off And you will ace it Inshallah, Inshallah. And I'll be seeing And please do not forget The summer podcast In Bishra Khan of course I can never forget this yes. This has Whenever been An amazing, are, amazing know... experience for no, me No why not And of course. I think this is My first time on a podcast mm -hmm. uh, And I feel very good We are actually Loving your conversation And it's it's a pleasure for us To see you here To have you here Thank you for having me So <laughs> We चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आश की वो जमाना याद है चुपके के रात दिन आंसू बहाना याद है वेरी nice. थैंक यू थैंक यू थैंक यू अकेली ताली बजा रही हूँ पूरे स्टूडियो में गूंज रही है लेकिन क्यों ना बजाऊं इट लुक्स फनी नेवर माइंड लेकिन इट्स फॉर यू आई एम अप्रिशिएटिंग यू थैंक यू सो मच वंडरफुल किसी ऐसे सिंगर के साथ एक फीमेल एक्ट्रेस हो या एक्टर कभी कोई शौक हो कि मैं इनके साथ गाऊं या ये हो मेरी वीडियो में hmm. कोई ऐसा है कोई माइंड में मे, मे, मेरा बहुत दिल है सोच so में पड़ गए कलेबरेशंस का मेरा बहुत दिल है किन किन के साथ आ, uh, अगर हम हॉलीवुड की बात करें कि पाकिस्तान में के यू आर ओपन टू इट वी आर नॉट कन्फाइंड टू जस्ट लॉलीवुड वी वी कैन इट्स योर चॉइस जी इट कुड बी एनीवन इन द वर्ल्ड माय आई वुड लव टू कलेबरेट विद आई डोंट नो आई जस्ट लव क्रिस ब्राउन I I'm obsessed मेरे डैड की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है। क्या आवाज है उसकी। So like if I ever get a chance to यू नो जैसे हम लोग उर्दू में सुर लगाते ना जैसे एक टिपिकल होता है। hmm. वैसा Adele का है। बिल्कुल। इंग्लिश में इंग्लिश शी हैस सच एन अमेजिंग ट्रेनिंग।

आपने उनको आपको पता होगा अच्छा मुझे देखिए इंडस्ट्री से है। आप है फिल्म इंडस्ट्री और सिंगिंग इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप हैं। अब आपने इन सबको ना बारी बारी एक एक गाना डेडिकेट करना है ओके okay. और इस तरह नहीं वो फ्ला इस तरह बस बोल दिया प्रॉपर गा के ओके okay. चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं सजल अली चांद छुपा बादल में शर्मा के

Shinaz Gill. Shinaz Gill from India. Yes, the, the one who is an Indian Punjabi Sikh. Punjabi Sikh yeah. or something. Shinaz Gill. Um, बीड़ी जलाए ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी आठ हैं गंगड़गड़े 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 I don't know. She's a very very jubbly. So oh, I, this. I know. She she has a very bubbly personality. Bubbly personality. The Asha song je. suits her. हाँ, सही की है. Good, good, good. अब बात करते Mahira Khan खान की. जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा I like it. Very, you know. I really love that song. And she did Nani, well achha, done job. उन्होंने इसको सही तरह से क्या कहते हैं carry किया उस project को. मैं भी शायद

মুস্কুরানে কি বজা তুম হ কি বজা তুম হো জিয়া যায় না যাই না যায় না ওরে পিয়া

I think she's she's really nice, uh, very cute face. Hardworking. I <laughs> mean, <laughs> Mahendradatta puchhe. Shikal pe kya chale jaate ho bar bar har kisi ki. No, you said what do you think about her? So, I think she's really nice. That's what I said. I think you like beauty, huh? Of, of course. Hmm. I see. Yeah, I I adore beauty. Amava ko pata hai ki jab ladkiyon hai to khubsura to. Unko mere standards ka pata hai waise. Okay, so you have already kept your standards. huh? Yes. Okay, I see. Chale ji, Sharda uh, ke liye gaana sunay. Shraddha Kapoor, tum mere हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम तुम ना रहो कुछ ऐसा हो हम हम ना रहें ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा बहुत प्यारे गाए ऑब्वियसली दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग बहुत प्यारे गाए लेकिन जनाब ये आपको मेरे शायद के लिए गाना चाहिए था ना मैं भी शायद के लिए आई थिंक वो ठीक था जो मैंने गाया था नहीं 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 शर्मा गए ना अच्छा ये सबके साथ होता है जब आपने किसी के साथ गाना हो और आपको से प्यार है चलो क्रश हो क्रश तो आपके तो जान निकल जाती है आपके तो हाय yeah. गाना कैसे गाए या yeah. अभी भी जान अभी भी निकल रही है नजर True. आ रही है मुझे नहीं 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 नहीं, नहीं। <laughs> दूसरा चलो जी लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। good, good. देखो ये वर्सेटिलिटी you है ना यू योर वॉइस इज वर्सेटाइल हर सुर कैच कर लेते हो आप स्केल uh, को हाई कर लेते हो उसको नीचे ले जाते हो hmm. मतलब इट्स अ गुड थिंग ये तो मजा है कि कोई भी गाना गा सकते तो हो किसी वक्त तो आपकी बेगम जो बहुत खुश रहेगी नाराज़ होगी तो उसको गाना गा के मना लिया करना पहले पहले गर्लफ्रेंड फिर बेगम अब मैं बेगम की तरफ, तरफ ना पसंद कर रहे हैं यू हाँ। नो you know, मैं जानना पसंद करती हूँ जो आ जाए उस हॉट सीट इतना कभी मैंने नहीं सोचा इट्स अ जो इस हॉट सीट पे बैठ जाए फिर वो खाली हाथ नहीं जाता हाँ आज, आज मैं अपनी सोचें और हाथ और सब कुछ भर के लेके जा रहा हूँ यहाँ से दुआए वो शगुन लेके जाता है बहुत कुछ सीखे जा रहा हूँ मुश्रा ने मुझे आज बहुत कुछ सिखाया दिल की बात कह डालो या

अरे पलट मेरी जाने जान एक जरूरी काम है दिल की धड़कन में तेरे प्यार का पैगाम है तेरे पीछे आ गए सब जला के कश्तियाँ जान मेरी मान भी जा उफ अल्लाह सालिम निगाहे उफ अल्लाह पागल बनाए उफ अल्लाह देना सजाए उफ अल्लाह ओ अल्ला। ये तो बड़े मजे का गाना है है ना वेरी नाइस आई लव दिस सॉन्ग वेरी नाइस बहुत एनर्जेटिक आई रियली थॉट कि नहीं, नहीं नहीं अच्छा सूच, सूच और सारे पर्सनैलिटी के साथ ब्लेंड करे गाना हाँ अच्छा जा रहा है मतलब सबा कमर को ये वाला ना सूट कर करे एक गाना डेडिकेट करें कैटरीना के केफ के लिए कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए दिलों की देखो जो जाने आंखें तुझे समझ तू जाने बुशरा जी आप आपके लिए भी मैं गाना गाना चाहूंगा हाँ जरूर क्यों कर नहीं? सकता हूँ जी जी आपको इजाजत है इखेड़ों नहीं नहीं इजाजत है इजाजत है, है अमार साहब hmm. फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बुशरा है thank you, thank सारी you. सारी उम्र हमें संग रहना है thank you. ठीक है बहुत अच्छा गाना है मुझे okay. बहुत पसंद आया मैंने एक वर्ड चेंज कर दिया इसमें यही तो खसूसियत है है ना यही तो ट्विस्ट है इसे कहते हैं लाइफ लेकिन ंग यू हियर एट पॉडकास्ट मी माय टीम ग्रेट प्लेजर एंड कोर्स आई वुड से थैंक यू फॉर हियर विद योर गिटार हमने बहुत मजे के गाने सुने आज गिटार के साथ स्पेशली योर डैड्स ऑल्ड फेमस सॉन्ग्स एंड आई वुड वांट के यू नो यू कीप मेकिंग अस प्राउड As a shining star Inshallah. और जो कल आपका जोगिया सॉन्ग जो एक दस मिलियन के एक मिलियन One million है? One million, One million. Yeah. जो कल आपका जोगिया सॉन्ग एक मिलियन views But cross करे अल्लाह sorry to interrupt you आपकी ज़ुबान कबूल करे I Amin mean, दस मिलियन से भी ज़्यादा दस मिलियन से भी ज़्यादा जाएँ बीस पच्चीस मिलियन से भी ज़्यादा जाएँ बल्कि why not and it's normal yeah when there is start and there is मेहनत तो इसका जो ब्लेंड होता है ना बहुत अच्छा होता है तो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक और आप हमारे पाकिस्तान के यू नो अपकमिंग स्टार हैं एंड प्लीज गो अहेड वी आर विद यू हमारी सपोर्ट है आपके साथ थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस टूडे पॉडकास्ट अपोट ऑफ कोर्स यू गाइज नो इट वॉज अमार बेग विद वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी ऑल्ड वेटरन एंड फेमस प्ले बैक सिंगर्स मिस्टर वारिस सन Ammar big and we had great fun with him. And I hope you guys liked it. Thank you for being here with us today at Sama Podcast. Whereas, if you guys want to you know anything special, specific, please do not forget to share, like, and subscribe our Sama Podcast. And you guys can actually ask in comments down below. Till then, Bushra Khan's leaving. Goodbye to you as well. Bye bye. <music>